नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। शिल्पा शेट्टी का नाम आज बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस के लिस्ट में शामिल है, मगर करियर के शुरुआती के दिनों में उन्हें कई प्रोड्यूसर ने बिना किसी कारण फिल्म से रिजेक्ट कर दिया था। वहीं जब उन्होंने बिग ब्रदर में पार्टिसिपेट किया था, जब शो के दूसरे कंटेस्टेंट रंग के आधार पर उनके साथ भेदभाव करते थे। इतना ही नहीं, पहले बच्चे के जन्म के बाद शिल्पा को पोस्टपार्टम डिप्रेशन से जूझना पड़ा था। शिल्पा ने 1993 में फिल्म बाजीगर से बॉलीवुड डेब्यू किया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने शुरुआती संघर्ष के बारे में बताया था। मैं एक काली, लंबी और दुबली बच्ची थी। ग्रेजुएशन के बाद मुझे पिता के काम में हाथ बटाना था। हालांकि मेरे दिल में कुछ अलग, कुछ बड़ा और बेहतर करने की चाहत थी, लेकिन मुझे लगता था कि शायद मैं ये कभी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जब मैंने फैशन शो में पार्टिसिपेट किया था, तब वहाँ पर मेरी मुलाकात एक अमेरिकी फोटोग्राफर से हुई थी, जो मेरी तस्वीरें लेना चाहते थे। उनकी इन बातों ने मुझे प्रेरित किया। लगा कि इस फिजिक के साथ भी मैं बेहतर कर सकती हूँ। बाद में शिल्पा ने इस अमेरिकी फोटोग्राफर से अपना फोटोशूट करवाया था, जिसे फोटोग्राफर ने कई सारे मॉडलिंग एजेंसी में सर्कुलेट कर दिया था। इसी के बाद शिल्पा के पास मॉडलिंग के लिए ऑफर आने लगे। 10वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद शिल्पा ने लिम्का के एक टीवी एड से बतौर मॉडल अपना करियर शुरू किया। इसके बाद वो कई मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रही। शिल्पा ने आगे कहा था, जल्द ही पहली फिल्म का ऑफर मुझे मिला और फिर वहाँ से मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन अच्छी चीज़ कभी आसानी से नहीं मिलती। कुछ समय बाद एक वक्त ऐसा आ गया था कि मेरे करियर में डाउनफॉल आने लगा। कई प्रोड्यूसर ने बिना किसी कारण मुझे अपनी फिल्मों से बाहर निकाल दिया। सेलिब्रिटी बिग ब्रदर 5 में शिल्पा बतौर कंटेस्टेंट नजर आई थी। इस शो के दौरान उन्हें रंगभेद का सामना करना पड़ा था। इस बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया था, मैं जिस देश की थी उस कारण मुझे सरेआम धमकाया गया और मेरे साथ भेदभाव किया गया। यह आसान नहीं था। मैं उस घर में अकेली थी, लेकिन मैंने खुद को अकेले ही आगे बढ़ाया। इन सब बातों से शिल्पा बेहद दुखी थी। वो हर दिन यही मानती थी कि एलिमिनेट हो जाए और शो से उन्हें निकाल दिया जाए, लेकिन लास्ट तक वो शो का हिस्सा रही और विनर भी बनी। एक इंटरव्यू में शिल्पा ने यह भी खुलासा किया था कि अपने पहले बच्चे के जन्म के बाद वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चली गई थी। हालांकि वो इससे 2 हफ्ते में ही बाहर निकल आई थी। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।